ऑलराइट, सो 10 में से 9 बच्चे 18 साल से पहले ही पॉर्न देख चुके होते हैं, या तो कोई दोस्त उन्हें पॉर्न दिखाता है या फिर कोई वेबसाइट स्क्रॉल करते वक्त ये पॉर्न उनके सामने आ जाती है। एंड इसमें से 22% टीनेजर्स ऐसे हैं ना जो रेगुलरली पॉर्न कंज्यूम करते हैं। अगर इसे कंपेयर किया जाए पहले वाले टाइम से, तो पहले पॉर्न एक्सेस करना इतना ईजी नहीं था। आज गवर्नमेंट बैन लगाती है पॉर्न पे, लेकिन फिर भी लोग वीपीएन वगैरह यूज करके पॉर्न तो देख ही रहे हैं ना। इसके अलावा वेब सीरीज आ चुकी है, सॉफ्ट पॉर्न आ चुके हैं, तो आजकल पॉर्न एक्सेस करना बहुत इजी है। इसे कंपेयर करो अगर आप पहले के जमाने में, तो पहले क्या होता था, पेन ड्राइव अरेंज करो, सीडी लेके आओ, और आजकल क्या है, आपके मोबाइल फोन में ही आप ये सारी चीजें कर सकते हो। पॉर्न कंज्यूम करना ये तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो टीनेजर फंसता जा रहा है वो है मास्टरबेशन एडिक्शन। अब ये एडिक्शन क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, अगर आप दिन में एक बार कर रहे हो या फिर अगर आप रात को सोने से पहले कर रहे हो, इसके बिना आपको नींद नहीं आ रही, या फिर इसके बिना आपका दिन कंप्लीट नहीं हो रहा, या फिर इन शॉर्ट अगर आप एक वीक में 5 से ज्यादा बार मास्टरबेट कर रहे हो ना, देन ट्रस्ट मी ब्रो, आप इस एडिक्शन में फंस चुके हो। और इस एडिक्शन की वजह से आपको ये 5 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हार्मोनल इंबैलेंस। आपके ऑक्सीटॉक्सिन, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपके डोपामाइन लेवल, इनका जो रिलीज होना है ना, वो लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब आप ज्यादा मास्टरबेट करते हो तब बेसिकली क्या होता है, एक कॉर्टिसोल हार्मोन है, अब ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये रिलीज होता है, इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से आप एक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो, मतलब एक ऐसा स्ट्रेस जो बहुत लंबे टाइम तक आपका चलने वाला है। और जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो ना, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन इजीली हो जाएगा। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज आती है प्री मेच्योर इजैक्युलेशन। जब आपका सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल लो होता है ना, तब आपका जो इरेक्शन है ना वो भी इतना सही से नहीं होता, जिसकी वजह से आपको अपना साइज थोड़ा छोटा दिखता है, और आपका जो काम है ना वो 6 सेकंड में खत्म हो जाता है। चौथी प्रॉब्लम आपकी हेयर एंड स्किन डैमेज। डार्क सर्कल, सैगी स्किन, डल फेस, स्किन क्वालिटी गिरती दिखेगी आपको, साथ ही हेयर लॉस भी आप नोटिस करोगे, आपके हेयर की जो थिकनेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। और पांचवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब आप पॉर्न देखते हो ना, आपको लगता है कि भाई यही सच है, और जब आप पॉर्न जैसी चीजें करने जाते हो रियल लाइफ में, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, आप अपने साइज को लेके, आप अपने स्टेमिना को लेके, आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाओगे या नहीं, इससे लेकर काफी स्ट्रेस में रहते हो। और जब ये स्ट्रेस इंक्रीज होता है, आपको पता ही है, कॉर्टिसोल भी इंक्रीज होगा, और आपका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, और इवेंचुअली ये आपके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस के ऊपर एक एंजाइटी देगा। मतलब जो चीज आप खुशी के लिए कर रहे हो, जो चीज आप खुशी से कर रहे हो, उसमें भी आप स्ट्रेस में रहोगे। अब इस एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आपका भाई आपको 4 ऐसी चीजें बताने वाला है जिससे आप इस डैमेज को रिवर्स कर सकते हो और अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी सकते हो। इस एडिक्शन को टोटली आप ड्रॉप कर दोगे, साथ ही में जितने साइड इफेक्ट आप अभी देख रहे हो ना, इसमें से आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा आगे। टिप नंबर 1, द ऑड रूल, 1, 3, 5, 7, 9, up to 21। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इंस्टेंटली इस एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते, ना वो पॉर्न देखना बंद कर पाते हैं, ना वो मास्टरबेट करना बंद कर पाते हैं। उस केस में ये जो ऑड रूल है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। आपको सबसे पहले दिन 1 दिन पॉर्न नहीं देखना है, मास्टरबेट नहीं करना है। दूसरी बार आपको 3 दिन तक कंट्रोल करना है, उसके बाद आपको 5 दिन तक कंट्रोल करना है, और ऐसे करते करते आपको 21 डेज तक कंट्रोल करना है। ये आपके लिए एक प्योर चैलेंज होने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, जब 21 दिन खत्म होंगे ना, आप एक बहुत अलग पर्सन दिख रहे होंगे। आपका जो पॉर्न और मास्टरबेशन का एडिक्शन था ना, वो टोटली मैनेजेबल हो चुका होगा, वो कंप्लीटली आपके हाथ में आ चुका होगा। इसके अलावा जब आप 21 डेज तक इस तरह से कंट्रोल करोगे ना, आपका जो माइंडसेट है काफी पॉजिटिव हो जाएगा। लाइफ में अगर दोबारा कोई और प्रॉब्लम्स आएगी भी ना, उसे भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, बिकॉज अभी आपने जिससे फाइट की है ना, वो आपका खुद का माइंड है। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 21 डेज ऑड रूल फॉलो कर लिया, आप इस वीडियो में दोबारा आओगे, थैंक यू भैया लिख के जरूर जाओगे, बिकॉज ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव चीज है। टिप नंबर 3, यूज शिलाजीत। जब बात रिकवरी की आती है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है, बिकॉज जब आप अपनी ये हैबिट क्विट करना चाहते हो, तब स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा होगा, और उस स्ट्रेस को कोप अप करने में शिलाजीत आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑल्सो ये जो डल स्किन हुई है, जो सैगी स्किन हुई है ना आपकी, शिलाजीत उसे हील करने में भी आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज ये रिच होता है एंटी ऑक्सीडेंट्स के अंदर, और शिलाजीत में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। ऑल्सो ये आपकी मेंटल हेल्थ को और आपके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, और वो भी महज 30 दिनों में आप ये चीज नोटिस कर पाओगे। शिलाजीत हेल्प करेगा आपको आपके परफॉर्मेंस में, आपकी जो स्टेमिना है ना उसे इंक्रीज करेगा, साथ ही में
आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा। लेकिन ये सारे रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आपका शिलाजीत बेस्ट क्वालिटी का हो, जैसे कि सेसा हिमालयन शिलाजीत। ये 100% आयुर्वेदिक है और इसमें 60% से ज्यादा फ्लूविक एसिड है। जितना ज्यादा फ्लूविक एसिड होगा ना, उतना ही ज्यादा बेटर आपका शिलाजीत होगा। अब एक चीज आप समझ लो, फ्लूविक एसिड आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज और सबसे मेन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। और इस शिलाजीत को प्योरीफाई किया है बाय यूजिंग शोधना मेथड, जो आयुर्वेदा की क्लासिकल प्योरिफिकेशन मेथड है। इसका लैब सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं आपको इसे कंज्यूम कैसे करना है। आप इस चम्मच की हेल्प से इसे निकालो पी साइज अमाउंट में और इसे 100 ml मिल्क में मिक्स करो और इसे कंज्यूम करो। दिन में 2 बार आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसे परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिप नंबर 3, इंटरनल सोल्यूशन। अब इस एडिक्शन की वजह से जो आपकी माइंड हेल्थ, जो आपकी बॉडी हेल्थ बर्बाद हुई है ना, उसे रिपेयर करने का वक्त आ चुका है, उसे रिवर्स करने का वक्त आ चुका है। और इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, आपको चाहिए प्रॉपर प्रोटीन रिच फूड। अब यहां पे एक चीज आप समझ लो, आपका जो भी बॉडी वेट है ना, उसको इनटू 1 करो और इतना प्रोटीन आपको रोज कंज्यूम करना ही करना है, तभी ये बेस्ट वर्क कर पाएगा। इसके अलावा मल्टीविटामिन टैबलेट आपको ले लेनी चाहिए, जिससे जो न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है ना, वो रिप्लेनिश हो सके और साथ ही ये हेल्प करेंगे आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में, एंड ऑल्सो ये आपकी स्किन एंड हेयर कंडीशन में भी बेस्ट रहेगा। और जब भी आप मल्टीविटामिन लो तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना, इसके अंदर विटामिन सी हो, जिंक हो, विटामिन B3 और विटामिन B7 जरूर प्रेजेंट हो। और इसके अलावा एक चीज जो आपको रोज करनी है वो है, पूरी रात कॉपर के वेसल के अंदर पानी भर के रखो, उसे सुबह पीना शुरू कर दो। ये आपको एक्चुअली 3 से 4 महीने करना पड़ेगा और उसके बाद आप नोट कर पाओगे स्लोली लेकिन बहुत इफेक्टिवली आपका जितना भी ये लॉस हुआ है ना, वो सारा कवर होने वाला है। ये जो कॉपर का पानी है ना, ये ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये आपकी बॉडी में अच्छे से ट्रेवल कर सके। आप लोग चाहो तो नट्स एंड सीड भी कंज्यूम कर सकते हो, वो भी कॉपर के बहुत रिच सोर्स है। टिप नंबर 4, लाइफस्टाइल एंड मेडिटेशन। एक्सेसिव मास्टरबेशन के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, आपका जो माइंड का कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में नहीं रहता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तरह से आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ना, ये काफी वीक हो चुका है। अब देखो, जैसे एक्सेसिव मास्टरबेट करने के बाद आपकी बॉडी की बैंड बजी है ना, सेम वही बैंड बजी है आपके माइंड की। लास्ट में हमने क्या किया था, आपकी बॉडी को हील किया था। अब बारी आती है आपके माइंड को हील करने की, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस और आपको ऐड करना पड़ेगा मेडिटेशन। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, 10, 20, 30, 40, 50 का ये रूल आपको रोज फॉलो करना है। 50 मिनट्स आप डेली वर्कआउट करो, जिम में जाओ या कुछ भी करो, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ को ट्रेन करना है। अब यहां से बेसिकली क्या होगा, जब आप अपनी लिमिट को पुश करोगे ना, आपको मिलेगा एक कॉन्फिडेंस, इसी के साथ एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो भी आपकी बॉडी में रिलीज होगा। इसके बाद 40 मिनट आपको रोज बुक्स पढ़नी है। हमारा जो फोकस खो चुका था ना, उसे वापस रीगेन करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद बारी आती है 30 मिनट की, वो आपको करना है मेडिटेशन। अब फोकस आप तभी कर पाओगे ना, जब आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। मेडिटेशन के वीडियोस देखना शुरू कर दो, यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे आपको। जो भी आपको बेस्ट लगे, कन्वीनियंट लगे, उसे आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। 20 मिनट्स आप फ्रेश एयर में घूमना शुरू कर दो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाओ। नंगे पैर घास पे चलना या फिर मिट्टी पे चलना शुरू कर दो, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और लास्ट आता है 10 मिनट्स, ये रहेगा प्रॉपर आपका पेप टॉक, इसको आप कह सकते हो मोटिवेशनल टॉक, जिसमें आप कुछ और नहीं सोचने वाले हो। आप 10 मिनट बस आराम से खाली बैठ के आपने पूरे दिन क्या किया, इसके बारे में आप सोचने वाले हो। जब आप इतना पर्दा हटा देते हो ना खुद के ऊपर से, तब बेसिकली क्या होता है, आपको समझ में आने लगता है सही क्या है, गलत क्या है। जब आप अकेले शांत आराम से बैठोगे ना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे टीनेज दोस्तों में या फिर अपने जो अर्ली 20s में दोस्त है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे